हे क्यूटीज, चलो अनबॉक्स करते हैं रेजिन राखी मेकिंग किट। इस किट में हमें रेजिन राखी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सारी की सारी मिलेगी। तो ये किट मैंने अमेजोन से परचेस की है, जो कि मुझे 699 रुपीज़ में मिली है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें हमें यहाँ पर 2 कलर के थ्रेड मिले हैं, 1 रेड कलर का है और जो दूसरा थ्रेड है रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में। इसमें हमें 200 ग्राम रेजिन मिला है, जो कि रेजिन 150 ग्राम है और हार्डनर 50 ग्राम है। कुछ यहाँ पर डिस्पोजल भी मिले हैं, जो कि स्मॉल साइज़ में, यहाँ पर हमें स्मॉल साइज़ के डिस्पोजल की ज़रूरत ही पड़ेगी, ज़्यादा बड़े साइज़ के डिस्पोजल नहीं चाहिए। और यहाँ पर कुछ मोती भी दिए हैं, चलिए इन्हें अनबॉक्स करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस टाइप के मोती है। इसमें वाइट पर्ल है, जो कि छोटे साइज़ में है, और यहाँ पर कुछ डायमंड रिंग भी है, जो कि बहुत ही प्यारी दिख रही है, उनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर गोल्डन कलर के स्मॉल साइज़ का मोती, बिग साइज़ का गोल्डन कलर का मोती और बिग साइज़ का वाइट कलर का मोती भी है। तो हमें जिन मोतियों की ज़रूरत पड़ती है वो तो यहाँ पर पूरे के पूरे दिए हैं। और यहाँ पर कुछ भी चीज़ें इसमें हैं, यहाँ पर जैसे इसमें 2 फोल्ड फ्लेक्स है, एक गोल्डन कलर का और एक सिल्वर कलर का, 2 पर्ल मीका है और 2 पिगमेंट है। तो यहाँ पर तो ये किट मुझे पूरी की पूरी कंप्लीट लग रही है, जो कि एक राखी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती वो सारी की सारी चीज़ें इसमें दिख रही है। गाइस, मैंने पहले सोचा था कि मैं किट ना लेकर अलग अलग से सारी चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए थी, मुझे ऐसा लगा कि उसमें मुझे ज़्यादा क्वान्टिटी में मिल सकती थी। लेकिन मैंने इनकी जब रेट चेक किया तो वो मुझे ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि किट ही मंगवा लेती हूँ। और इतने सस्ते में किट मिल रही है, जिसमें सारी चीज़ें मिल रही, तो मुझे किट मंगवाने में क्या प्रॉब्लम है। इसमें एक मोल्ड भी है राखी मेकिंग के लिए, तो मोल्ड में मुझे 15 अलग अलग शेप मिले हैं, जिसे हम अलग अलग तरह की राखी बना सकते हैं। इस मोल्ड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक भी मिली है कुछ, और जब मैंने अमेजोन पे चेक किया था और इसको ऑर्डर किया था इस किट को, तो इसमें आइसक्रीम स्टिक्स, ग्लव्स और जो डिस्पोजल है वो नहीं दिखाए थे, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर मिल गए तो बहुत खुशी मिली, क्योंकि जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं और हमको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो सेम वैसे ही मेरे साथ यहाँ पर हुआ था। तो गाइस, चलिए ये किट तो मैंने आपको पूरी दिखा दी है, इसमें कुछ स्टिकर्स भी थे आपने देखे होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर राखी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें रेजिन मिला है वो 301 है, यानी 3 ढक्कन रेजिन डालेंगे और 1 ढक्कन हार्डनर डालेंगे। एक डिस्पोजल में 3 ढक्कन रेजिन डाल रही हूँ। यहाँ पर रेजिन थोड़ा सा थीक होता है, और हार्डनर हम यहाँ पर 1 ढक्कन डालेंगे। हार्डनर थोड़ा थीन होता है रेजिन की अपेक्षा, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेजिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिक्स हो चुका है और ये मोल्ड में डालने के लिए तैयार है। चलिए हम इसे मोल्ड में डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राखी को ट्रांसपेरेंट राखी बनाएंगे, और इसमें थोड़ी थोड़ी सी गोल्डन फॉइल भी डालेंगे, ताकि थोड़ा गोल्डन वाला लुक भी आ सके इसमें। और ऐसे करके हम सारी राखियों को बना लेंगे।
गुठलियाँ बन के यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मोल्ड को हम 24 घंटे सुखा लेंगे। सूखने के बाद मोल्ड की राखियाँ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से निकल रही है, जैसे हम बर्फी निकालते हैं सेम वैसे के वैसे ही यहाँ पर राखियाँ भी निकल रही है, एकदम प्रॉपर तरीके से निकल रही है। सारी राखियां सजने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुकी है, तो चलिए हम इन्हें स्टिकर से सजाते हैं। हमारी सारी राखियों के ऊपर स्टिकर लग चुके हैं। अब हम इन स्टिकर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन पर फिर से रेजिन डालेंगे। राखियों पर रेजिन की कोडिंग होने के बाद हम इन राखियों को 24 घंटे सूखने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हमारी राखियाँ सूखकर तैयार हो चुकी है, दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो चलिए अब हम लास्ट स्टेप को पूरा करते हुए राखी में धागा बांधते हैं और इसमें मोती को डालते हैं। हमने सारी राखियों को एक एक करके तैयार कर लिया है, और आपको इनमें से कौन सी राखी अच्छी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।